वैशाली की और किरण की आज की रिकमेंडेशन ले लेते हैं। वैशाली, आप आज कौन कौन से स्टॉक्स पे बेट कर रही हैं? So I would look at VRL Logistics. कल देखा कि choppy market में भी it was giving a good close and giving a breakout. So 570 के support के साथ 620, 650 would be near term target. तो VRL Logistics एक है और दूसरा है सुदर्शन केमिकल। कल दोबारा हमने देखा कि volume के साथ pickup deep down from the oversold. So trading strategy बन सकती है with a stop loss of 360 for a target of 410. दो कॉल्स खरीदारी की वीआरएल लॉजिस्टिक्स और सुदर्शन केमिकल वैशाली की तरफ से। किरण, निफ्टी 17,250 के साथ टारगेट्स और 40,200 के टारगेट्स बैंक निफ्टी पर, यानी कि खरीदारी के मौके आप ढूंढ रहे हैं, क्या स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी खरीदारी के ही होंगे? यस डेफिनेटली, तो दोनों स्टॉक्स हमारे बाई तरफ रहेंगे और दोनों एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो पहला है वो एनटीपीसी है, डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। साथ ही साथ अगर आप डेली इंट्राडे चार्ट देखोगे तो वहां पर रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, मल्टीपल रेजिस्टेंस जो था 175-170 उसके ऊपर एनटीपीसी ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा कि लास्ट वीक में जहां मार्केट एक नेगेटिव जोन या नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा था, एनटीपीसी एक आउट परफॉर्मर था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर मार्केट में यहाँ से इंटरमीडिएट बॉटम बनता है या कोई भी की तरफ के लेवल्स आते हैं तो एनटीपीसी वुड बी द आउट परफॉर्मर। तो एनटीपीसी 179 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 190 का हमारा टारगेट रहेगा, एज अ स्टॉप लॉस हम 172 मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो VDL है। जिस तरह से हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में यील्ड्स नीचे आई है, डॉलर इंडेक्स भी अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आता है तो चांसेस है कि मेटल्स के अंदर वापस ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो VDL के डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न लास्ट वीक में प्लॉट हो चुकी है, कहीं ना कहीं 270 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जिस तरह से डेली चार्ट हम देख रहे हैं तो अपने इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से और डेली चार्ट के हिसाब से 275-280 का लेवल है, उसको मेंटेन कर रखा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम डेफिनेटली इसको गिन रहे हैं और मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस अवेलेबल है। तो 278 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे, 294 हमारा टारगेट रहेगा एंड 269 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे VDL के अंदर। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स की गिरावट का भी फायदा कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स को मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बाजार गिरा है, कहां पे आपको वैल्यू इमर्ज होना शुरू हो गई है? दो चार नाम अगर आप शेयर कर सकें जो आपको कंफर्ट जोन में आते हुए नजर आ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। सो डेफिनेटली आई मीन बाजार में जिस हिसाब से गिरावट आई है ये आई मीन कुछ वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया रहेगा कुछ स्टॉक्स देखने के लिए। और जैसे कि अभी समीर जी ने आके बताया था कि वो BFSI स्पेस ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे वैल्यू रेंज में आ गए हैं, तो मुझे लगता है BFSI में जो मैं अभी बहुत एग्रेसिव बाय का अभी सजेशन नहीं दूंगा। हमारा मानना है कि चूंकि जब ये सब इवेंट्स होते हैं तो BFSI स्पेस ऐसा होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। अगर ये चीज यहाँ से थोड़ा कंटिन्यू रहती भी है, मान लो एक हफ्ता या 10-15 दिन और, तो BFSI स्टॉक्स में आपको बहुत ज्यादा आपको आई मीन तेजी नहीं देख सकती है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन के हिसाब मद्देनजर अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक बहुत ही अच्छे वैल्यू में दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक अभी गिर करके 1.5 टाइम में ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं PSU सेगमेंट्स की देखूं तो PSU सेगमेंट्स में बैंक ऑफ बड़ौदा जो जिसमें काफी ट्रैक्शन दिख रहा है और आने वाले समय में भी नंबर्स काफी अच्छे दिखने के अनुमान है, वो भी लगभग 0.9-1 टाइम में FY24 के बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सब स्टॉक्स मुझे लगता है स्टैगर्ड वे में यहाँ से देखने चाहिए। अदर देन दिस यू नो BFSI मुझे लगता है सिलेक्ट यू नो ऑटो स्पेस भी देखे तो कुछ हफ्तों में ठीक ठाक करेक्शन हो गया है जहाँ वैल्यूएशन कुछ स्टॉक्स में अच्छे खासे निकल के आ रही। फॉर एग्जाम्पल अगर M&M की बात करें तो M&M 16-17 टाइम में ट्रेड हो रहा है, जो मुझे लगता है कि अगर चाहे अगर आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें या फिर न्यू लॉन्चेज इन प्राइवेट PV सेगमेंट में देखें तो सेगमेंट्स में M&M की काफी खासी आई मीन बेहतर डेवलपमेंट हुई है कुछ महीनों में और जिसका फल हमें लगता है कि इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स काफी बेहतर रूप में आने वाले समय में दिखेगा। तो 16 के एक्स अर्निंग्स FY24 लुक्स टू बी क्वाइट रीजनेबल फॉर M&M के लिए। बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में भी कुछ स्टॉक्स देखे तो फॉर एग्जांपल अगर अल्ट्राटेक, चूंकि हम इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब स्पेस की बात कर रहे हैं तो अल्ट्राटेक, बिल्डअप इंफ्रा में LNT ये सब स्टॉक्स मुझे लगता है कि यहां से देखने चाहिए।